नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इसी को लेकर एक नया अपडेट निकल कर आ रही है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी ईपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अभी 10वीं या 12वीं के एग्जाम दिए हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो गया, ठीक है। कब आपका रिजल्ट जारी होगा इसको लेकर नया सूचना जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कैसे आपको चेक करना है, कौन से लिंक से चेक करना है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाए थे जो विभाग द्वारा यानी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इस नोटिफिकेशन में बताया गया सारी जानकारी कि कब आपका मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा, कब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी कि या सच में आपका जारी होगा या नहीं होगा, क्या जानकारी निकल कर रही है, क्या सच है क्या गलत है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार रूप से बताएंगे, ठीक है। इसमें बताएगा, देख सकते हैं नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और सारी जानकारी समझते हैं। बताएगा, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञापित सार्वजनिक सूचना, ठीक है, सारी सभी लोगों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी किया गया है उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। देख सकते हैं बताया गया, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 में हाई स्कूल में इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत हुए कितना 51,92,616 परीक्षार्थी का परीक्षा पर निम्न विवरण अनुसार घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी यानी 2023 में परीक्षा में उपस्थित हुए थे स्टूडेंट 51,92,616 उपस्थित हुए थे, जो कि परीक्षा पर निम्न विवरण अनुसार घोषित किया जाएगा। अब किस दिन घोषित किया जाएगा इसमें जानकारी बताएगा। देख सकते बताएगा, हाई स्कूल का जो भी आपका रिजल्ट होगा 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। देखो परीक्षा फल घोषणा की तिथि बताया गया, यानी कि आज तो है 2 अप्रैल, आज 5 अप्रैल 2023 को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। समय की बात किया जाए तो अपराह्न 2 बजे आपका जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज, स्थान बताया गया, यहाँ से आपका जारी किया जाएगा। उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट का भी बताया गया 5 अप्रैल 2023 को अपराह्न 4 बजे यानी कि जारी किया जाएगा, वहीं से स्थान सेम है। इसमें नीचे की ओर जानकारी दे दे, परीक्षा फल के माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर आनी किया और जो ईपीए रिजल्ट nic.in पर देखा जा सकता है। तो सारा सर हम बता दें दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग हमेशा देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, अलग अलग यानी कि यूट्यूब चैनल पर, यानी कि जहाँ भी देखें ये नोटिफिकेशन दोस्तों फेक है, ठीक है। इसको लेकर अभी विभाग द्वारा कोई भी ऐसा रिलीज नहीं किया गया, यानी डेट नहीं रिलीज किया गया, अनाउंस नहीं किया गया कि आपका इस दिन की मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। ये फेक नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख रहे हैं अलग अलग, तो फेक नोटिफिकेशन ये आपके सामने हम दिखला दे रहे हैं, ये फेक नोटिफिकेशन। आपको इसमें कुछ भी पर अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है कि 5 अप्रैल 2023 को आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, ये फेक नोटिफिकेशन है। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जो कि 1 अप्रैल को रिलीज किया गया, जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने यानी कि ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इस नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दिया गया है आप समझिएगा विस्तार रूप से, आपको जानकारी मिल जाएगी। बताया गया जैसे कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है, विज्ञापित जारी किया गया। इसमें बताया गया जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कतिपय अराजक तत्वों द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर एक विज्ञापित प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्ष 2023 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परीक्षा फल दिनांक 5 अप्रैल 2023 को घोषित किए जाने का उल्लेख किया गया है। यह विज्ञापित नितानंद फर्जी है, उक्त फर्जी विज्ञापित को कदापि संज्ञान ना लिया जाए, इस प्रकार के फर्जी सूचना वायरल करने वालों के विरुद्ध कानून कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यानी वही नोटिफिकेशन के इसमें जिक्र किया जाएगा, जो भी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं अलग अलग वीडियो में तो फर्जी नोटिफिकेशन है। देख सकते बताया गया यह विज्ञापित नितानंद फर्जी है, जिसमें उसमें भी डेट किया गया था 5 अप्रैल 2023 को मैट्रिक और इंटर दोनों को यानी रिजल्ट जारी करने का इसमें बात कही गई थी, जो कि फर्जी है, ठीक है। उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करके उसके बारे में जानकारी दिया गया कि उस पर ध्यान ना दें, यानी कि गलत नोटिफिकेशन है आपका, 5 अप्रैल 2023 को मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे और कहाँ से आपको रिजल्ट चेक करना है मैट्रिक और इंटर दोनों का उसके बारे में हम जानकारी बता देंगे, ठीक है। आप वो फेक नोटिफिकेशन के फेरा में ना पड़े, आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी जानकारी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देख सकते बताएगा सिग्नेचर भी दिया गया, दिव्यांग शुक्ला सचिव है जो कि इम्यूनो सिग्नेचर कर 1 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कुछ भी प्रकार का सवाल है तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।